I will decode it for you. मैं आपके सामने दस ऐसी चीजें रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड की असली कहानी क्या यह वाकई भ्रष्टाचार है क्या बड़ा स्कैम है इसकी असलियत क्या है अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की डिटेल जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को दी है इलेक्शन कमीशन ने उनको अपलोड की है अब आपके सामने दस चीजें मैं रख रहा हूं बड़ी गंभीरता से सोचिए नंबर वन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड अनहोनी को होनी कर दे या होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों बॉन्ड 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 अब सब लोगों को लगा था कि अंबानी अडानी का नाम तो होना ही है देश के सबसे बड़े उद्योगपति है उन्होंने पोलिटिकल पार्टियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए होंगे असलियत क्या है असलियत यह है कि नंबर वन कंपनी इस लिस्ट में है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड करती क्या है लॉटरी चलाती है गेमिंग होटल चलाते हैं कंपनी ने तीर तेरह सौ करोड़ से ज्यादा पैसे दिए इसके मालिक कौन है सेंटियागो मार्टिन जिसकी तस्वीरें कई नेताओं से आ रही है ये भी जानिए ये वही कंपनी है जिसको एनफोर्समेंट एजेंसीज ने रेड किया है उन पर कार्रवाई की है कुछ धांधली हुई है सिक्किम और नागालैंड में जहां ये लॉटरी चलाते हैं अब आप सोचिए लॉटरी वाली कंपनी ने इतने पैसे क्यों दे दिए जो इसको रेड कर रहे हैं ये आप ही को सोचना है कि इसमें कुछ गोलमाल है या नहीं ये भी जानिए ये बड़े कंपनियां जो हैं इनको क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड देना है इनके पास अलग रूट होते हैं पार्टी को फंड करने के लिए तो स्वाभाविक है कि छोटी कंपनियां या अननोन कंपनियों के नाम ज्यादा हैं इस लिस्ट में पॉइंट नंबर टू कंस्ट्रक्शन इंफ्रा कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं रियल एस्टेट होते हैं उनको जरूरत पड़ती है सरकार की इसीलिए नंबर 2 सिल्वर मेडल में कौन है मेगा इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ की कंपनी है तेलंगाना की कंपनी है इस कंपनी पर आरोप लगाया था जब वो के की सरकार थी तेलंगाना में कि एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कुछ धांधली हुई है करप्शन हुआ है अब इस कंपनी ने 900 करोड़ से ज्यादा दिए हैं अब इस कंपनी केवल तेलंगाना में नहीं उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में जो टनल जोजिला में बना है ये कंपनी कर रही है ये कंपनी एक बड़ी टीवी नेटवर्क भी चलाती है और ये कंपनी अब डिफेंस प्रोडक्शन में भी आ गई है कौन है इस कंपनी के मालिक उनको क्या देने की जरूरत पड़ी मेगा इंजीनियरिंग में कौन जाने कुछ मेगा चीज आपको मिल सकती है नंबर जो जो है तीस में से टॉप डोनर्स जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए हैं चौदह ऐसे हैं जिन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या आई या सी आई की कार्रवाई हो रही है अब आप ही सोचिए कोई कनेक्शन है या नहीं किसी ने कुछ प्रेशर डाला क्या क्या ईडी जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट या एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट बन गई है हफ्ता वसूली कर है जो विपक्ष कह रही हैदराबाद बेस्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन है इनको इनकम टैक्स ने रेड किया था 2020 में। ये अक्टूबर दो हजार इक्कीस में एक सौ बासठ करोड़ डोनेट करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कोई कनेक्शन है ये आप ही सोचिए पॉइंट नंबर फोर कुछ छोटी कंपनियां हैं जिनका पेड अप कैपिटल बहुत कम है लेकिन जिन्होंने ज्यादा पैसा बॉन्ड्स में दिया है एक कंपनी इसी तरह से है क्विक क्विक सप्लाई सप्लाई चेन चेन ये ये आखिर है कौन ये कौन उसके डायरेक्टर्स तो है लेकिन उनके डायरेक्टर जो है वो अलग कंपनियों में भी डायरेक्टर्स है रिलायंस में भी उनके कुछ डायरेक्टर्स है क्या कोई कनेक्शन है ये मैं नहीं जानता लेकिन इस पर क्विक एक तरह से कार्रवाई शायद होनी चाहिए नंबर फाइव इस जो इलेक्ट्रल ट्रस्ट है उसमें एक ट्रस्ट का नाम है प्रूडेंट ट्रस्ट अब ये प्रूडेंट ट्रस्ट को बीस हजार करोड़ से ज्यादा कुछ बड़ी कंपनियों ने दिए हैं इसमें चौथाई जो पैसा है इस ट्रस्ट के जरिए वो बीजेपी के पास आया है अब कौन है ये प्रूडेंट ट्रस्ट तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट चलाते हैं या दो चार्टर्ड अकाउंटेंट चलाते हैं अब ये प्रूडेंट ट्रस्ट पर सवाल तो उठेंगे पॉइंट नंबर ये जानिए बीजेपी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं ट्रस्ट में स्वाभाविक है नंबर वन पार्टी है पूरे देश में है पचास परसेंट से ज्यादा मिले सेंटर में है स्टेट में कोई आश्चर्य नहीं आश्चर्य क्या है नंबर टू पर कौन है तृणमूल कांग्रेस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पार्टी पिछले दस सालों से सरकार में है या बारह सालों से पर इतने पैसे और डीएम के उनको भी आए हैं यानी राज्यों की पार्टियों को भी जो सत्ता में है उनको पैसे मिलते हैं पैसा जाता है जहां सत्ता है है बॉन्ड की की कहानी नंबर नंबर कांग्रेस कांग्रेस पार्टी 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 एक जमाने में देश की हुआ करती थी अब को अपने हैसियत के मुकाबले अब कम मिले हैं क्योंकि एक जमाने में तो नंबर वन पार्टी थी तीन चार राज्यों में अभी भी उनकी सरकारें हैं इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को इतने सालों में इतना कम पैसा क्यों आया क्या हुआ कांग्रेस का क्या लोग समझते हैं अब तो कांग्रेस पार्टी चलेगी कौन देगा पैसा कांग्रेस पार्टी को क्या यह कारण है या कुछ और कारण है एक वर्ड है को, लेन देन जब तक आपको मैचिंग डिटेल स्टेट बैंक नहीं देगा कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दिया यह सब जो बातें हैं ना स्पेक्युलेशन है कि इसने ये किया इसका ये काम किया आपको ये बातें लोगों के सामने रखनी पड़ेगी स्टेट बैंक को डिटेल्स देने पड़ेंगे नहीं चलेगा कि मैं महीने लगेंगे इस डिजिटल के जमाने में इतना बड़ा बैंक ये नहीं कह सकता कि हमें चार महीने लगेंगे ये मैचिंग डिटेल्स करने के लिए पॉइंट नंबर नाइन ये जानिए कि एक तो आपने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को हटाइए है यह गैर संविधानिक है इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा लेकिन इसके अलावा नई सिस्टम क्या होगी बड़े चुनाव आ रहे हैं अगर बॉन्ड्स नहीं है तो उसके उसकी जगह पे कौन सी कैंपेन फाइनेंसिंग आप करोगे कैसे किसी उद्योगपति या किसी व्यक्ति को कहोगे यार अब आप पार्टी को दीजिए सब डरेंगे कि अब तो हम एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो कौन देगा खास करके विपक्ष की पार्टियों को तो कोई नहीं देगा क्योंकि लोग डर जाएंगे यार ईडी आ जाएगी अगर हम पैसा दे दे या कोई और आ जाएगा सोचने की बात है कि आपको एक नया सिस्टम चाहिए आखिर पॉइंट देखिए चुनाव आ रहे हैं ये जानिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ना ये 6000 जो करोड़ की बात होती है या जितने भी दिए गए हैं इसके जरिए जो अमाउंट्स हैं वो बहुत कम है असली पैसा मेरे दोस्तों कैश की बात है सबसे बड़ा रुपया चुनाव आ रहे हैं ना मैक्सिमम मनी पॉलिटिकल पार्टीज को कैश के जरिए बनता है जो अंडरग्राउंड जाता है उस अंडरग्राउंड के पैसे को ओवरग्राउंड कैसे लाओगे तब तक जब तक ये नहीं होता तब तक कोई स्थिति नहीं बदलने वाली हमारी सिस्टम उसी तरह से रहेगी भ्रष्टाचार से लिप्त कैश से लिप्त क्विड प्रोको से लिप्त मैंने कहा मेरा नाम है राजदीप सरदेसाई ना ही मैं जेम्स बॉन्ड हूं ना ही मैं एक इलेक्ट्रल बॉन्ड हूं आप देखते रहिए मेरा शो थैंक्स वेरी मच नमस्कार डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल